4 करोड़ की चरस के साथ 3 युवक हुए गिरफ्तार। श्रावस्ती जिले की स्पेशल पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसपी के निर्देश में गठित टीम ने मल्लीपुर से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के कब्जे से 4 लाख रुपए की चरस के साथ ही देशी तमंचा और बाइक बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, एएसपी बीसी दुबे और मल्लीपुर एसओ हौसला प्रसाद गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें नानपारा की तरफ से 3 युवक बाइक पर आते दिखे। पुलिस टीम देख कर वह बाइक से वापस भागने लगे। पुलिस टीम ने 500 मीटर पीछा कर पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान रोहन, विजय और देशराज के रूप में हुई। उनके कब्जे से 3 किलो 930 ग्राम चरस बरामद हुई। यही नहीं, देशी तमंचा और कारतूस भी मिला। पकड़े गए युवकों पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। श्रावस्ती से विनय वाल्मीकि की रिपोर्ट। आगामी 12 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। इसी क्रम में जो आपराधिक तत्व हैं उन पर रोकथाम, उनकी नकेल कसने के लिए जनपद पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में मल्लीपुर थाना की पुलिस जब कल रात्रि में चेकिंग कर रही थी अपने क्षेत्र में, तो उनके द्वारा 3 लोगों को पकड़ा गया। उन तीनों के पास से करीब 4 किलो चरस बरामद हुई है और 2 कट्टे बरामद हुए हैं। तीनों एक मोटरसाइकिल पर थे। इस प्रकार से आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है ताकि हमारी शरशावस्ती जनपद की जनता चुनाव में, आने वाले चुनाव में भयमुक्त होकर के मतदान कर सके। उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान पाने वाले निखिल श्रीवास्तव को डीएम ने किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 27 अप्रैल 2019 को हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया था, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा में राजकीय हाई स्कूल इमलिया करणपुर जमनाहा के छात्र निखिल श्रीवास्तव ने यूपी में 5वां स्थान एवं जनपद में 1st स्थान पाकर श्रावस्ती जनपद का नाम रोशन किया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने निखिल को प्रशस्ति पत्र, 21,000 रूपए नगद, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा, विभूतिनाथ मंदिर का स्मृति चिन्ह एवं टेबल कैलेंडर देकर सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला अधिकारी ने निखिल से सफलता के बारे में पूछा तो निखिल ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। निखिल ने कहा कि वह बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उन्हें हमेशा पेरेंट्स और टीचरों का साथ मिला, आगे सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। निखिल ने बताया कि वह शुरू से ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। निखिल को हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में कुल 572 अंक पर 95.33% मिले हैं। निखिल ने कहा कि आज मुझे जो सफलता मिली है या उसी का नतीजा है, मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि अच्छे अंक आएंगे। श्रावस्ती से विनय वाल्मीकि की रिपोर्ट। अभी जो यूपी के बोर्ड रिजल्ट्स आए हैं उसमें 10th क्लास में यहाँ के एक राजकीय स्कूल इमलिया करणपुर के लड़के ने जो भी है 5वां स्थान प्राप्त किया, जो बड़ी गौरव की बात है, स्पेशली इस तरीके की जनपद के लिए जो सबसे बैकवर्ड जनपद है पूरे यूपी का। तो इसलिए हमने उनको आज बुला के सम्मानित भी किया है और अपनी तरफ से प्रशस्ति पत्र और कैश प्राइज जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको दिया गया है और बाकी भी कुछ और भी मोमेंटो और ये चीज़ें दी गई हैं। और इसका बेसिक पर्पस यही था कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट किया जाए, उनकी सराहना की जाए, और यही बच्चे जब निकल के कुछ अचीव करते हैं तो ये बाकी लोगों के लिए यही मोटिवेशन का काम करते हैं। उन बच्चे से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो सूचना विभाग को कि उन्होंने कैसे तैयारी की और क्या उनका मोटिवेशन रहा, इसके बारे में ज़रूर अपना एक लेख जरूर दें, जिसकी वजह से हम उसको छाप सकें और बाकी बच्चे भी उससे प्रेरित हो सकें।